अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज फॉर द स्पेशल पॉपुलेशन एंड वी विल डिस्कस द डायबिटीज़, एस्मा एंड द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ का तो आपको पता है कि डायबिटीज़ क्या होता है। इट इज़ करेक्टराइज बाय द हाइपरग्लाइसीमिया, और इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप वन डायबिटीज़ और टाइप टू डायबिटीज़। टाइप वन डायबिटीज़ किस वजह से होगी? डिफेक्ट इन इंसुलिन सेक्रेशन होगा तो वो टाइप वन डायबिटीज़ होगी, लेकिन अगर डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन होगा तो वो टाइप टू डायबिटीज़ है। ठीक है, और फिर इसकी एटियोलॉजी बताती है, ठीक है, कि मोर देन 20 मिलियन पीपल जो हैं उनमें डायबिटीज़ होती है और इट कैन लीड टू डेथ। ठीक है, और सिर्फ 14 मिलियन लोगों में डायग्नोज की जाती है। ठीक है, ज़्यादातर डायग्नोज मिस डायग्नोज हो जाता है, या कुछ लोग जो होते हैं रूरल एरियाज़ वगैरह में, वो जाके ट्रीटमेंट वगैरह भी नहीं ले रहे होते। ठीक है, वार्निंग साइंस इसके कौन कौन से हैं? वार्निंग साइंस फॉर द डायबिटीज़ आर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और द अनयूजुअल थर्स्ट, ठीक है, एक्सट्रीम हंगर होगा, रैपिड वेट लॉस होगा, वीकनेस, फिटीक, इरिटेबिलिटी, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये सारी चीज़ें आप पहले भी फार्माकोलॉजी में भी पढ़ चुके होंगे और जनरल भी आपको मालूम होंगी। ठीक है, फिर इसके दो टाइप्स का बताया हुआ है। टाइप वन डायबिटीज़ जो होती है वो लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से होती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जब इंसुलिन नहीं है प्रॉपर बॉडी में तो एक्सोजीनियस इंसुलिन पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, इसको आप इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर अर्ली लाइफ में होती है, मोस्टली चिल्ड्रन में होती है। ठीक है, हर एक एज ग्रुप में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये चिल्ड्रन में होती है। ठीक है, एसोसिएटेड विद वायरल इन्फेक्शंस वगैरह की वजह से होता है, और ये जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं ये जाके आपके ऑटो इम्यून सिस्टम पे एक्ट करते हैं। ठीक है, जब ऑटो इम्यून सिस्टम पे एक्ट करेंगे तो वहाँ पे फिर जो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से पैंक्रियाज जो होता है वो नॉर्मली इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, और इसके अलावा इसमें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वगैरह भी होती है टाइप वन डायबिटीज़ में, जिसकी वजह से कोमा भी कॉज हो जाता है। ठीक है, डायबिटिक कोमा हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल को। और ये ज़्यादातर इसकी कितने परसेंट लोगों में होती है टाइप वन डायबिटीज़? तो 5 से 10% डायबिटिक पॉपुलेशन मौजूद है इस टाइम पे वर्ल्ड में। ठीक है, टाइप टू डायबिटीज़ जो होती है वो रेजिस्टेंस टू इंसुलिन होती है। ठीक है, इसको मेटाबॉलिक डिजीज़ भी कहते हैं, और टाइप वन को ऑटोइम्यून डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो टाइप टू जो है वो मेटाबॉलिक डिजीज़ इसको बोलते हैं, और रेजिस्टेंस टू इंसुलिन होती है। ठीक है, मतलब कि इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो प्रॉपर एक्शन नहीं कर पा रहा, डेवलप्स लेटर इन लाइफ। ठीक है, ज़्यादातर ये एडल्ट्स में होती है, मोर देन 65 ईयर्स के लोगों में होती है ज़्यादातर। ठीक है, और इसके अलावा जो ज़्यादा ओबीस चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर भी ये डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, और एसोसिएटेड विद अपर बॉडी ओबेसिटी। ठीक है, 90 से 95% डायबिटिक पॉपुलेशन जो है वो टाइप टू डायबिटीज़ के साथ है। ठीक है, अब ये कुछ डिफरेंसेस बताए हुए हैं इनमें, डिफरेंसेस में वही सारी बातें हैं कि ये क्यों होती है, टाइप वन किस वजह से होती है कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, टाइप टू किस वजह से हो रहा है कि इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन एक्शन नहीं कर पा रहा। ठीक है, एज किस में होता है टाइप वन? एज ज़्यादातर बच्चों में होता है, और हर एक एज ग्रुप में हो सकता है लेकिन मोस्टली चिल्ड्रन में होता है। ठीक है, टाइप टू जो है तो वो बच्चों में तब होगा जब ओबीस होंगे चिल्ड्रन। ठीक है, और ज़्यादातर वो 65 अबव या 45 अबव एज में होती है। ठीक है, और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री होगी तो डायबिटीज़ होगी। ठीक है, लेकिन टाइप टू डायबिटीज़ जो है उसके लिए फैमिली हिस्ट्री भी मैटर करती है, लेकिन साथ में ओवरवेट होगा या इनएक्टिविटी होगी या हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उसको भी टाइप टू डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा सिम्टम्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंक्रीज यूरिनेशन और सिम्टम्स तकरीबन दोनों के सेम होते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन कोई नॉन मेथड्स नहीं है, बल्कि क्या है कि इंसुलिन इनटेक है। टाइप वन डायबिटीज़ में आप ज़्यादातर इंसुलिन इंजेक्शंस वगैरह लेते हो, करवाते हो, और टाइप टू डायबिटीज़ को आप किस तरीके से प्रिवेंट करते हो? हेल्दी लाइफस्टाइल से। ठीक है, प्रिवेंशन वगैरह ही करते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट में भी यही चीज़ बताई हुई है। और फिर एक्सरसाइज एंड द डायबिटिक पॉपुलेशन में आप एक्सरसाइज कैसे कराते हैं, मतलब एक्सरसाइज और डायबिटिक पॉपुलेशन का रिलेशन क्या है आपस में, आप इसको किस तरह से उसकी डायबिटीज़ को पहले कंट्रोल करेंगे उसके बाद फिर उसको एक्सरसाइज देंगे। ठीक है, और उसकी कंडीशन के लिहाज से आप किस तरह से एक्सरसाइज देंगे। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि टाइप वन डायबिटीज़ जो होती है वो ज़्यादा फैटल होती है टाइप टू डायबिटीज़ से। ठीक है, क्यों ज़्यादा फैटल होती है? क्योंकि वहाँ पे तो एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रही होती है, जिसकी वजह से कोमा में चला जाता है पेशेंट। ठीक है, खैर वो दोनों में ही चला जाता है टाइप वन और टाइप टू में, लेकिन एक डिफरेंस ये भी है कि वहाँ पर जब आप इंसुलिन इनटेक करा रहे होते हो तो उसकी वजह से क्या होता है
आपका ग्लूकोज जो इंसुलिन इंटेक, जब एक्सेसिव इंसुलिन इंटेक कर लेते हो तो उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी इंसुलिन शॉक में चली जाती है, बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होगा, कैसे होगा कि ज़्यादा ज़्यादा इंसुलिन गया, उसने पूरा जो ब्लड ग्लूकोज था उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, उसके बाद वीकनेस होगी, उसके बाद कोमा हो जाएगा। और इस चीज़ को, इस सारी फिनोमेना को इंसुलिन शॉक कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि टाइप वन डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादा फेटल है एज़ कम्पेयर टू द टाइप टू डायबिटीज़, ठीक है। अच्छा, फिर इसका रिलेशन क्या है एक्सरसाइज के साथ, तो सबसे पहले आप जब भी एक्सरसाइज वगैरह देना चाहते हैं किसी डायबिटिक पॉपुलेशन को, तो आप ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल कराएंगे, ठीक है। और फिर एडिक्वेट इंसुलिन इज़ रिक्वायर्ड, उसमें आपको एडिक्वेट इंसुलिन चाहिए होगा, ज़ाहिर है आपने जब ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन कराना है तो उसके लिए इंसुलिन प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि वो उसकी कन्वर्जन कर ले ग्लूकोज की, ठीक है। टू इंक्रीज ग्लूकोज ग्लूकोज अपटेक बाय द मसल्स, ठीक है। इसके बाद कीटोसिस, कीटोसिस क्या होता है, कीटोसिस की वजह से वहाँ पे कीटोन बॉडीज बन जाती हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है इस फिनोमेना में, इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस फॉर एक्युमुलेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज, ठीक है। इसके बाद और इसमें क्या होता है कीटोसिस के प्रोसेस में, ड्यू टू एक्सेसिव फैट मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद उसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ बन रही होती हैं, ठीक है। ये सारी प्रोसेसेस जो हैं ये मसल्स में हो रहे होते हैं, ठीक है। मेरे रिजल्ट्स फॉर्म में लैक ऑफ इंसुलिन हो रही है, किस वजह से हो जाता है, लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से, ठीक है। तो कहते हैं कि उस इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होती है, ठीक है। फिर टाइप वन डायबिटीज़ को अगर सिर्फ देख रहे हैं हम, सिर्फ एक टाइप ले रहे हैं अभी टाइप वन, तो उसमें आप एक्सरसाइज को किस तरीके से मैनेज करेंगे। फॉर मेनी ईयर्स एक्सरसाइज वॉज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद इंसुलिन एंड डाइट वेयर द ग्लूकोज शुड बी कंट्रोल्ड, ठीक है। कहते हैं कि एक्सरसाइज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि ग्लूकोज इंसुलिन और डाइट को भी मेंटेन रखना है, ताकि ग्लूकोज के लेवल्स को मेंटेन रखा जा सके, ठीक है। द मेजर कंसर्न इज नॉट द हाइपोग्लाइसीमिया इन कीटो एसिडोसिस एंड डायबिटिक कोमा, बट द हाइपोग्लाइसीमिया इज मेजर कंसर्न, ठीक है। ये बात मैंने अभी आपको बता दी है, क्यों क्यों है मेजर कंसर्न, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बॉडी शॉक में जा सकती है, इंसुलिन शॉक हो सकता है, ठीक है। मस्ट मेंटेन रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल। अच्छा, अब आप जब भी उसको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर रहे हैं टाइप वन डायबिटिक पेशेंट को, तो उसमें आप क्या देखेंगे, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे। उसके बाद क्या है कि इंसुलिन और डाइट को भी आप लोग प्रॉपर अल्टर कर रहे होगे, ठीक है। और मैं रिक्वायर्ड फाइन ट्यूनिंग, दोनों चीज़ों की फ़ाइन ट्यूनिंग करोगे, ठीक है। अच्छा, फिर जब आप इसके लिए टेस्ट कराएंगे, ज़ाहिर है जब आप इसको कोई भी प्रोटोकॉल दे रहे हो, कोई एक्सरसाइज वगैरह दे रहे हो, तो उससे पहले आप टेस्ट कराओगे कि ये इस एक्सरसाइज के लिए फिट भी है कि नहीं है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट बताए थे, तो यहाँ पे भी वही बात है, ठीक है। ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट रिकमेंडेड प्रायर टू स्टार्टिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम, ठीक है। कहते हैं इफ़ अ पर्सन इज़ एट हाई रिस्क फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ठीक है, तो उसमें आप लोगों आपको लगता है कि इसके साथ में इसको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज़ भी हैं, मतलब टाइप वन डायबिटीज़ तो है लेकिन साथ में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज़ भी हैं, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें देखोगे कि अगर उसकी एज ग्रेटर दैन 35 ईयर्स है, या एज ग्रेटर दैन 25 ईयर्स है, लेकिन साथ में डायबिटीज़ क्या है, टाइप टू डायबिटीज़ है फॉर मोर देन 10 ईयर्स, टाइप वन डायबिटीज़ है फॉर मोर देन 15 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस हैं या उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोवास्कुलर डिजीजेस है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है, या ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है, ठीक है। अगर आप ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट करा रहे हो, तो उसमें आपने ये सारी चीज़ें देखनी है, और अगर उसका हाई रिस्क होगा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का, तो फिर आप उसको एक्सरसाइज या तो बिल्कुल नहीं दोगे, या अगर दोगे तो बहुत कम इंटेंसिटी की दोगे, ठीक है। क्योंकि डायबिटीज़ के साथ जब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो वो उस कंडीशन को और भी ज़्यादा वर्सन कर लेते हैं, ठीक है। फिर मेटाबॉलिक कंट्रोल बिफोर एक्टिविटी है, ठीक है। अब जब भी आप ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट तो आप कर लोगे, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी कि आपने एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करनी है कि नहीं करनी, और कौन से इंटेंसिटी की देनी है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करा रहे हैं, तो उसमें पहले मेटाबॉलिक कंट्रोल कराएंगे, ठीक है। तो मेटाबॉलिक कंट्रोल में क्या देखेंगे आप, अवॉइड एक्सरसाइज इफ फास्टिंग ग्लूकोज इज़ ग्रेटर दैन 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अगर फास्टिंग ग्लूकोज उसका 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो आप एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, ठीक है। या फिर क्या है कि कीटोसिस के साथ उसका जो ग्लूकोज है वो ग्रेटर दैन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो तब भी आप एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या आप क्या कराएंगे कि अगर उसका ग्लूकोज लेस दैन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट वगैरह एडजस्ट कराएंगे, ठीक है।
ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज पे, जब भी आप इसको एक्सरसाइज करा रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर आप ग्लूकोज लेवल्स को मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई व्हेन चेंजेस इन इंसुलिन और फूड इनटेक आर नीडेड, लर्न हाउ ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। ये सब जनरल बातें हैं, आपको पता होंगी। उसके बाद फूड इनटेक आपने देखना है, तो उसमें हाइपोग्लासीमिया को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हर वक्त मौजूद होते हैं जब भी आप एक्सरसाइज करा रहे होते हैं, ठीक है। अवेलेबल होने चाहिए आपके पास ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सरसाइज। तो आपको अगर लग रहा है कि ग्लूकोज उसकी बॉडी में कम हो रहा है तो आप उसको कार्बोहाइड्रेट इनटेक कराएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो ही कंटिन्यू है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इसको कौन सी एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कराएंगे, तो एक्सरसाइज अब आप कौन सी इंटेंसिटी के साथ दे रहे हो, 20 to 60 मिनट एक्सरसाइज दे रहे हो, 2 to 4 days per week दे रहे हो, ठीक है। और इसकी हार्ट रेट रिज़र्व मैंने आपको लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में हार्ट रेट रिज़र्व को कैलकुलेशन का पूरा प्रोसीजर समझा दिया था, ठीक है। तो उसकी वैल्यू एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 50 to 85% हार्ट रेट रिज़र्व होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मैक्सिमल हार्ट रेट तक आप उसको एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, ठीक है। मे यूज़ नॉन वेट बेरिंग लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ इफ़ वेट बेरिंग एक्टिविटीज़ आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर उसकी कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं है तो फिर आप उसको लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ कराएंगे। लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है कि आप वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज उसको बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे तो आप उसको नॉन वेट बेरिंग और लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ कराएंगे, लेकिन अगर ऐसा है कि वेट बेरिंग एक्टिविटीज़ वो कर सकता है तो उसके लिए फिर आप लाइट वेट एक्सरसाइजेस कराते हैं। और कितनी रेपिटेशन के साथ, 15 to 20 रेपिटेशन के साथ, ठीक है। और इसमें आप ये जब भी आप लाइट वेट एक्सरसाइजेस कराओगे तो उसमें देखोगे कि वेलसेल्वा मैन्यूवर नहीं हो। वेलसेल्वा मैन्यूवर आपने पढ़ा भी होगा लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ठीक है। और इसके बाद आपने देखना है कि हैवियर वेट्स ना हो एथलीट्स के पास, ठीक है, वो उसको भी हमने एवॉइड करना है, ठीक है। ड्रिंक एक्स्ट्रा फ्रूट्स एंड हैव कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल, ठीक है। एक्सरसाइज विद समवन इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर आपको लगता है कि इसकी कंडीशन किसी भी टाइम पे ख़राब हो सकती है बहुत ज़्यादा, तो आप उसकी उसको एक्सरसाइज किसी ऐसे पर्सन के साथ कराओगे कि जो उसको इमरजेंसी के केस में डील कर सके, ठीक है। अच्छा, वेलसेल्वा मैनुअल में क्या होता है कि जब आप वेलसेल्वा मैनुअल में क्या होता है कि आप जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है या जो भी ट्रेनर होता है वो अपने पार्टिसिपेंट को कहते हैं या पेशेंट से कहते हैं कि आप अपनी नाक को भी बंद कर लेंगे और मुंह को भी बंद करेंगे, ठीक है। एक डीप ब्रेथ लेंगे सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद नाक को बंद करेंगे, मुंह को बंद करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि जिस तरह बलून को फुलाने के लिए हवा निकाल रहे होते हैं मुँह से, उसी तरीके से वो करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका लैरिंग्स क्लोज हो जाएगा तो आपकी जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस इसके साथ क्या क्या आएंगे, इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा, उसके वजह से क्या होगा कि कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, वीरस रिटर्न डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि बैरोसेप्टर फायरिंग जो होगी वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, सिंपैथेटिक आउटफ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, वेगल आउटफ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो उसके साथ क्या चेंजेस आ जाएंगे, ओवरऑल हार्ट पे क्या चेंजेस आ जाएंगे, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी और वैसो कंस्ट्रक्शन इंक्रीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख लें कि इंट्राथोरेसिक प्रेशर उसका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये वेलसेल्वा मैनुअल है, तो कहते हैं कि आप जब भी उसको लाइट वेट एक्सरसाइजेस करा रहे होंगे तो आप इस चीज़ को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको उसका हार्ट रेट इंक्रीज़ नहीं चाहिए, हार्ट रेट उसका इंक्रीज़ नहीं चाहिए, आपको उसका हार्ट रेट नॉर्मल चाहिए, क्योंकि अगर उसको साथ में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के रिस्पेक्टर्स भी होंगे तो इंक्रीज़ हार्ट रेट उसको और भी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज इन टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ में आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेज देंगे, तो टाइप 2 के लिए ज़्यादातर प्राइमरी ट्रीटमेंट एक्सरसाइज के थ्रू ही की जाती है, क्यों की जाती है, ताकि ओबेसिटी को ट्रीट किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए भी वो हेल्प करती है, तो उसमें ब्लड ग्लूकोज को और इंसुलिन की रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करती है, ठीक है। हेल्प ट्रीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क फैक्टर्स, ये तो आपको पता है कि एक्सरसाइज बहुत अच्छा। फिर इसमें कहा है कि मेडिकेशन यूजेस क्या करता है कि एक्सरसाइज के दौरान हाइपोग्लाइसीमिया को मिनिमाइज़ करने के लिए आप उसको ड्रग्स वगैरह भी देते हैं, उसकी एक एडजस्टेड डोजेज देते हैं ताकि वो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कर सके, ठीक है।
अच्छा देन आपके पास एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन फॉर टाइप टू डायबिटीज़ है, तो इसमें आप डायनामिक एरोबिक एक्टिविटीज़ कराते हो जिसमें हार्ट रेट मैक्सिमम कम से कम कितना होना चाहिए आपके पास, 50 to 90% हार्ट रेट मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हार्ट रेट मैक्सिमम की बात हुई है, हार्ट रेट रिजर्व की बात नहीं हुई, इस पॉइंट को आपने नोट करना है। ठीक है, इसके बाद इसका टाइम भी 20 to 60 मिनट्स ही है, लेकिन इसका 20 to 60 मिनट्स है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 to 7 टाइम्स पर वीक है। ठीक है, और इन एक्सरसाइजेज़ का उसको फ़ायदा क्या होगा कि प्रमोट सस्टेंड इंक्रीज इन इंसुलिन सेंसिटिविटी, ठीक है, प्रमोट वेट लॉस एंड मेंटेनेंस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज आल्सो रिकमेंडेड। ठीक है, गोल टू एक्सपेंड ए मिनिमम ऑफ 1000 किलो कैलोरीज पर वीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आपके पास आती है डायबिटीज़ की, कंडीशन तो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आपके पास आती है एजमा। एजमा क्या होता है कि एन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कैरेक्टराइज बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अकॉम्पनीड बाय द व्हीजिंग साउंड, ये आपको पता है खुद भी। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, कंट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ एयरवेज की वजह से, स्वेलिंग ऑफ म्यूकोसल सेल्स की वजह से, हाइपरसिक्रीशन ऑफ द म्यूकस की वजह से 20 मिलियन आर अफेक्टेड बाय द एजमा, ये सारी कंडीशन आप लोगों को पता है। ठीक है, फिर आपके पास एजमा की डायग्नोसिस और कॉजेज़ क्या होंगी कि डायग्नोसिस जब आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग करते हैं, लंग फंक्शन टेस्ट वगैरह करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो होता है वो डिक्रीज्ड हुआ वो होता है एजमा की कंडीशंस में। ठीक है, और ट्रिगर्स इसके क्या क्या होते हैं, डस्ट, केमिकल्स, एंटीबॉडीज और एक्सरसाइजेज वगैरह जो होते हैं, ये एजमा की ट्रिगर्स होते हैं और ये हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि आपको जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मास्ट सेल्स के अंदर आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मास्ट सेल्स के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे केमिकल मेडिएटर्स को रिलीज़ करते हैं कि वो केमिकल मेडिएटर्स इन टर्न जाके क्या करते हैं कि स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन रिफ्लेक्स जो होता है वो वेगस नर्व की वजह से वो भी इनिशिएट हो जाता है, और इन टर्न फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और फिर रिस्पायरेशन में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, यहाँ पे वो भी पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ है, ये मास्ट सेल है, मास्ट सेल के अंदर पहले इनिशिएटर्स या स्टिमुलेटर्स जो उसके थे डस्ट, पोलन, स्मोक वगैरह, उसने क्या किया कि कैल्शियम आयंस को ट्रिगर किया है। कैल्शियम आयंस क्या है, मास्ट सेल्स के अंदर, ठीक है, उनकी एंट्री ज़्यादा हो जाती है, मैक्सिमम अमाउंट में कैल्शियम आयंस उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर साइटोप्लाज्म कैल्शियम के साथ मिलकर केमिकल मेडिएटर्स को रिलीज़ करते हैं। केमिकल मेडिएटर्स पे वही वाला इफेक्ट करते हैं कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कर लेते हैं और साथ में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज करते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन एंड रिलीफ ऑफ एस्मा के लिए आप क्या करते हैं, अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस, इम्यूनोथेरेपी, रिलीफ ऑफ एस्मा, और मेडिकेशन आप कौन कौन सी देते हैं, क्रोमोलिन, सोडियम बीटा 2 एगनिस्ट, थियोफाइलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड लिकोट्राइन इनहिबिटर्स। ठीक है, ये सारी मेडिकेशन आप उसको देते हैं और ये प्रिवेंशन है इसकी। ठीक है, अब कहते हैं कि एक्सरसाइज इंड्यूस, ये तो जनरल एस्मा का एक ओवरव्यू था जो आप ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं, फिजियोलॉजी में भी शायद आपने पढ़ा होगा, लेकिन अभी एक्सरसाइज इंड्यूस एस्मा में क्या होता है, ज़्यादातर एस्मेटिक एथलीट्स या पेशेंट्स जो होते हैं जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें ये कॉमनली प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और ये किस वजह से होता है कि आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसमें उसकी ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, कहते हैं कि अगर एस्मा को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो वो परफॉर्मेंस को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो फिर ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज इंड्यूस एस्मा के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। इसी तरह से कहते हैं कि डायग्नोज बाय एक्सरसाइज चैलेंज का क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपको जो एस्मा की कंडीशन होंगी वो आपके पास डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसमें आप उसको इजीली डायग्नोज कर सकते हो। जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह हो जाएगी तो आप डायग्नोज कर सकते हो कि एस्मा की कंडीशन है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर रिड्यूसिंग द चांस ऑफ एन अटैक, तो कहते हैं कि अगर आप उसको एक्सरसाइज करा रहे हो और आप चाहते हैं कि उसमें एस्मेटिक अटैक्स ना आए तो उसके लिए आप क्या कराते हो, वार्म अप्स कराते हो, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सरसाइजेस कराते हो, स्कार्फ और फेस मास्क को यूज़ करते हो कोल्ड वेदर्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ट्रीटमेंट आप इसकी किससे करते हो, बीटा एगोनिस्ट इन केस ऑफ अटैक ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अदर मेडिकेशंस टू प्रिवेंट अटैक। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट के लिए बीटा एगोनिस्ट आप देते हैं
ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ताकि एस्थमेटिक अटैक को इनहिबिट किया जा सके, ठीक है। और उसके अलावा दूसरे मेडिकेशंस भी होती हैं, और परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस के दौरान आप उसको इनहेल बीटा एगोनिस्ट देते हो, और अगर इंटेस्टिस सालमेटामोल और इनहेल बीटा टू एगोनिस्ट देते हो तो वो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करेगा, ठीक है, और स्ट्रेंथ को, पावर को और एंड्योरेंस को इम्प्रूव नहीं करेगा, जब तक कि आप उसकी कितनी डोजेस नहीं लेते, 10 to 20 times आप उसको इनटेक नहीं करते, ठीक है। मतलब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो उसकी परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को इम्प्रूव करता है, बल्कि आप उसको ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ये सिर्फ इनहेल बीटा टू एगनेस्ट क्यों दे रहे होते, ताकि उसकी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है आप उसको मिनिमाइज कर सको, ठीक है, कुछ सिम्टम्स ऐसे तमाम के कंट्रोल करने के लिए, सही है। उसके बाद आपके पास क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ आता है, तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कॉज रिडक्शन ऑफ एयर फ्लो विच कॉज ट्रामेटिक अफेक्ट ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि जब भी आपको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है, तो आप लोगों को पता है कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में क्या होता है कि आप आपकी जो एक्सहेलेशन की एबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वीजिंग साउंड्स वगैरह प्रोड्यूस होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो कहते हैं कि जब भी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है, इसके साथ और भी बहुत सी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, ठीक है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि परसिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस विद द थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है, ब्रोंकाइज वगैरह जो होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, थिकनेस हो जाती है। इसी तरह से एम्फाइजीमा होता है, जिसमें इलास्टिक रिकॉइल ऑफ एल्वोलाई एंड ब्रोंकाइज इज रिड्यूस्ड, ठीक है, और ब्रोंकियल एस्थमा होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब कहते हैं कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कॉज एबिलिटी टू कॉज डिक्रीज एबिलिटी टू एक्सहेल एंड वीजिंग, बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। वीजिंग और एबिलिटी टू एक्सहेलेट, तो इसमें एक्सहेल तो इसमें डिक्रीज होती है, ठीक है, और वीजिंग साउंड इंक्रीज होती है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे एनजाइटी और डिप्रेशन वगैरह, ठीक है। दीज डिजीजेज आर डिस्टिंक्ट फ्राम एक्सरसाइज इंड्यूस एजमा बिकॉज एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। अब एजमा को तो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन जो होती हैं वो थ्रू आउट द लाइफ रहती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इरिवर्सिबल चेंज, क्यों ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो साथ में दूसरी कंडीशन भी हो जाती हैं, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजीमा, एस्मा, ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो ये आपके लंग्स के अंदर इरिवर्सिबल चेंजेस को क्रिएट कर लेती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेवियरली लिमिट हो जाती हैं, ठीक है। इसको सीओपीडी के पेशेंट्स को जब आपने टेस्ट करना होता है, तो इसमें आप लोग कॉमनली 3-4 टेस्ट करते हो। सबसे पहले आप FEV1 देखते हो। FEV1 क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एक्सपायर्ड एयर का वॉल्यूम आप देखते हो फ्रॉम लंग्स इन 1 second, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एयर फोर्स फ्रॉम लंग्स इन 1 second, इसको आप ये बोलते हो, ठीक है, इसको कहते हैं फोर्स एक्सपायर्ड वॉल्यूम इन 1 second, FEV1 का ये मतलब है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई ना कोई एक ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट करा लेते हो व्यू टू मैक्स को एवेलुएट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आप मैक्सिमम एक्सरसाइज वेंटिलेशन को देखते हो, ठीक है, कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है, तो ठीक है। इसके अलावा आप लोग आरटीजे ब्लड गैसेस को मेयर कर लेते हो, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं, ठीक है। ये सारे टेस्ट आप करते हो और इसके अकॉर्डिंग फिर पेशेंट्स को डिफरेंट एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल्स के लिए, डिफरेंट एक्सरसाइजेस प्रोग्राम्स के लिए क्लासिफाई कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट आप जब भी देते हो तो इसमें ज़्यादातर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देते हो, ऑक्सीजन इनहेलेशन थेरेपी के थ्रू, ठीक है। तो उसमें आपका गोल ये होता है कि मेडिकेशन और ऑक्सीजन के ऊपर उस पर्सन की रिलायंस कम से कम हो, ठीक है, और इम्प्रूव एबिलिटी टू कम्प्लीट डेली एक्टिविटीज़, और आपका एम क्या होता है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ डेली एक्टिविटीज़ को ईजीली इम्प्रूव कर सके, ठीक है। आउटकम्स इसमें क्या होता है कि इंक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस विदाउट डिस्पनिया, ठीक है। जब भी आप उसको ऑक्सीजन इनहेलेशन थेरेपी वगैरह कराओगे तो उसका आउटकम्स आपके पास क्या आएंगे कि उसकी एक्सरसाइज टॉलरेंस इंक्रीज़ हो जाएगी विदाउट डिस्पनिया, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के बगैर वो एक्सरसाइज को टॉलरेट कर सकेगा, ठीक है। इंक्रीज सेंस ऑफ वेलबींग, ठीक है, कि उसको मतलब अच्छा फील होगा एक्सरसाइज करने के दौरान, बजाय इसके कि उसको बहुत ज़्यादा एग्जर्बेशन हो रही हो और बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हों, ठीक है। इसके अलावा आप उसको मेडिकेशंस भी देते हो। मेडिकेशंस में क्या देंगे, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देते हैं, जिसमें 28% ऑक्सीजन होती है, 72% हीलियम होती है, ठीक है, जो क्या करती है, वर्क ऑफ ब्रीथिंग को रिड्यूस करती है, ठीक है। इसके अलावा इंस्पिरेटरी प्रेशर सपोर्ट आप उसको देते हो, किस वजह से, किस लिए देते हो, ताकि इंस्पिरेटरी मसल्स जो हैं उनका वर्क रिड्यूस हो जाए, ठीक है। इसके अलावा इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग देते हो,
जिसमें आप इंस्पायरेटरी मसल्स को ट्रेन कर लेते हो, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि मसल्स की एंड्योरेंस इंप्रूव होती है और उसकी परफॉर्मेंस अगर इंप्रूव ना भी हो तो उसकी एंड्योरेंस इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन वो इजीली कर लेते हैं। फिर इंटरवल ट्रेनिंग, तो इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है कि हायर इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस के साथ वो इजीली कॉप कर जाता है। हम इंटरवल ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि जैसे इंटरमिटेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, कभी हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज और फिर थोड़ा रेस्ट और फिर लो इंटेंसिटी और फिर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज, इनको इंटरवल ट्रेनिंग्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी देते हो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पर्मानेंट डिजीज़ के पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसकी कंटिन्यूटी भी है अभी, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।